दमोह जिले में कोरोना काल में परिजनों की मृत्यु के बाद लोगों को शव ले जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात से पत्रकारों की सलाह के बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा दो एम्बुलेंस वाहन जो अभ्यारण्य में गौमाता के लिए प्रयोग किए जाते थे उनके इलाज के लिए उन वाहनों को परिवर्तित करके शव वाहन बनाया गया है और इनका संचालन प्रेस क्लब के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे हालात में जब ज़रूरतमंदों को इसकी आवश्यकता होती है तो इसकी निःशुल्क व्यवस्था के चलते उनको परेशानी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसका बेहतर संचालन करने की कोशिश प्रेस क्लब करेगा जिससे इस संकट के काल में इसका सदुपयोग हो सके। करेंगे आप सबका जो सुझाव था, जो हमारे पास में दो गाड़ियाँ थी जो पशु शव वाहन के रूप में काम की जाती थी उनको कन्वर्ट करके ताकि किसी गरीब आदमी को एक रुपया भी शुल्क ना लगे वो व्यवस्था भी आज से प्रारंभ होगी और मैं चाहूँगा कि वो व्यवस्था पूरी तरह से हमारे प्रेस के बंधुओं के पास होनी चाहिए ताकि कोई दबाव भी काम ना करे और हम पूरी तरह से जनसेवा कर पाएँ और उसमें जो भी खर्चे आएंगे हम सब मिलजुल कर उसको उठाएंगे वो सरकार के भरोसे नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, जैसा वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरी लहर की संभावना है, हम उसके पहले अपनी PSCs को रिव्यू कर लें। मैं भी लगातार आज हमने उन बैठकों में कहा है और साथ में आखिरी में मैंने ये भी कहा है कि हम 7 दिन बाद जो बैठक बुलाएंगे जितनी भी मशीनरी हमारे पास उपलब्ध है और अगर वो उपयोग में नहीं आ रही है तो हमने कहा है कि उसके कारण 7 दिन बाद आपको बताने पड़ेंगे, मैन पावर की कमी के कारण है या फिर वो खराब हो गई है, क्योंकि हमें हर कीमत पर आने वाले 10 दिन के भीतर ज़िले में उपलब्ध सारी तकनीकी मशीनों की सक्रियता चाहिए। इस पर भी आज जिला प्रशासन जिला की बैठक में इस बात का फैसला हुआ है, सबने एकजुटता दिखाई है। लॉकडाउन आने वाले 10 दिन और बढ़ाने का फैसला भी आज की इस बैठक में हुआ है और मुझे लगता है हमें जिले के सभी प्रबुद्धजनों का इसमें सहयोग मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एक नया प्रयोग है जिसको हम सबको भी शायद प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो महिलाएं हैं हमारी समूहों की वो अब लॉकडाउन के बैरियर के रूप में काम करेंगी और वो उसका प्रयोग कोशिश करेंगे हम कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी सुरक्षा के तंत्र के रूप में हो सकेगा। खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS, DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावाद, अर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू में राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे। हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं अब हमारे शहर में एक नया ऐप आया है जिसका नाम है केक कार्ट। जी हाँ, जिससे आप फल सब्जी किराना और भी अपनी जरूरत का सारा सामान घर बैठे उपलब्ध कर सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर केक कार्ट ऐप इंस्टॉल करें, उसके बाद अकाउंट बनाकर लॉग इन, जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसे कार्ट में ऐड करें, उसके बाद अपना एड्रेस, डेट और टाइम सिलेक्ट करें, उसके बाद आप अपना पेमेंट ऑप्शन चुनें, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करें और निश्चिंत